नोएडा के पॉश इलाकों में सालों से सप्लाई के पानी की किल्लत है, पर अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यही जानने के लिए R9 TV की टीम पहुंची नोएडा के सेक्टर 19 में, जहां वहां के लोगों से बातचीत के जरिए हालातों को जाना। जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। ये शब्द बिल्कुल सटीक बैठते हैं नोएडा के सेक्टर 19 के लोगों के हालातों पर, क्योंकि जिस मूलभूत सुविधा की जरूरत जिंदगी जीने के लिए होती है, जब वही आपसे महरूम हो तो आखिर कोई क्या कर सकता है। यहाँ के लोगों की समस्या है कि यहाँ सप्लाई का पानी सालों से नहीं आ रहा। जो आ रहा है वो ऐसा जैसे नलों से गंदे नालों का पानी बह रहा हो। ऐसे में कैसे कोई इस पानी का इस्तेमाल कर सकता है? आज यहाँ की हकीकत यहाँ रह रहे लोगों के जरिए ही जानते हैं। अभी हम खड़े हुए हैं नोएडा के एक ऐसे सेक्टर में जो काफी साल पुराना है, लोग यहाँ 40 सालों से रह रहे हैं। अब हम इनसे जानेंगे कि काफी बार शिकायतों के बाद हमारे पास आया ये है कि सामने कि यहाँ पानी की समस्या ज्यादातर रहती है। यहाँ पर जल विभाग का कहना है कि यहाँ पर गंगा पानी सप्लाई करते हैं, पर यहाँ की लोकल का मानना ये है कि ये ग्राउंड का पानी भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर लगातार काले पानी की शिकायत आ रही है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि काफी शिकायत आई थी हमारे पास कि यहाँ पर काले पानी जो है वो सप्लाई में आता है, गंदा पानी आता है, किसी इस्तेमाल में नहीं आता। क्या ये बात सच है? हाँ, ये बिल्कुल एकदम से पीला पानी, काला पानी आ जाता है, और नहाते नहाते एकदम से काला पानी आ जाता है टंकी में जो जाता है, यूज होते हैं पानी, और फिर उसको फिर फेंकना पड़ता है। ये बाथरूम है हमारा, और ये नहाने वाली बाल्टी है, तो देखो इसमें थोड़ा सा अगर पानी रह जाता है तो देखो कितनी पीली रह जाती हो रही है ये बाल्टी, बिल्कुल तली, बिल्कुल इतनी काली हो रखी है। मैम, तो इसकी शिकायत आप करती नहीं है कहीं? जब आते हैं जल बोर्ड वाले तो हम पूछ के जाते हैं कि भाई पानी गंदा आ रहा है, साफ आ रहा है, तो मैं कहती हूँ गंदा आ रहा है तो करे नहीं, अब साफ आ जाएगा, अब गंदा नहीं आएगा। पानी को लेकर ऐसी कहानी यहाँ घर घर की। वाटर जैसे कहते हैं ना, गंगा वाटर है, पर लगता नहीं है क्योंकि बहुत पीला पानी आता है कई बार। और हम लोगों ने तो RO लगा रखा है, सब काम के लिए RO यूज़ करते हैं, और क्योंकि जो टैप वाटर आता है वो इतना ख़राब है कि इवन बर्तन भी नहीं साफ़ कर पाते हैं उसमें। ठीक है, कई बार बहुत मिट्टी बहुत आती है, बिल्कुल पीला पानी आता है। क्वालिटी काफ़ी ख़राब है यहाँ पर एक्चुअल में। आपको रेगुलर बेसिस पर टैंक क्लीनिंग करवानी पड़ेगी, हर 3 महीने में, हर 2 महीने में आपको करानी पड़ेगी। और आप टैंक में अगर जाकर के बाई चांस देखेंगे ऊपर जाकर के, तो इतनी गहरे मिट्टी उसमें जम जाती है। उसकी वजह से क्या है, सारे जो आपके इक्विपमेंट्स है, गीजर है आपका, टैप्स हैं, सब खराब हो जाते हैं आपका। तो सुना आपने, ये पानी न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन रहा है, बल्कि घर का सामान भी इसके चलते खराब हो रहा है। यहाँ हम कुछ और लोगों से भी मिले जो पानी को लेकर अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं। पानी इतना काला आता है, और अभी बीच में क्या है, एकदम अचानक पानी ठीक आएगा, एकदम काला और पीला आना चालू हो जाता है। बाल्टियां खाली हो गई, बच्चे आधे से ज्यादा सबको जो है, किसी को टाइफाइड है, किसी को डिप्थीरिया है, किसी को टाइफाइड फीवर वगैरह है, पेट से संबंधित बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे हो रही है। और अगर हमने कंप्लेंट की तो उस के लिए जो है कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो 12 साल हो गए यहाँ रहते हैं ना, इतनी टंकी बाल्टियाँ, बच्चे बीमार रहते हैं, बहुत ज्यादा आ रही, इतना गंदा पानी है, बस पूछो ना, नहाते नहाते ना रही है, साफ पानी आ रहा है फिर गंदा आ जाता है। शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन उसका असर अब कब होगा, यहाँ के ये लोग अब इसी इंतजार में है। नोएडा से अपर्णा, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।